नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भूल जाओ बादशाह खान को बेनजीर, अंधे कुएं से कोई वापस नहीं आया है। अव्वल तो हबीबुल्लाह उसे मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो हबीब का भाई पाशा तुम्हारे बादशाह खान का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। भूल जाओ, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये क्या किया तुम बेनजीर? तभी हुई आग को हवा दे दी। मैं तो निकाह का तकाजा करने आया था, अब निकाह की मोहर लगा के ही जाऊंगा। जन्म में फेंक दिया खबीस को। पूरा एक साल हो गया, बादशाह की खैरियत की खबर तक नहीं आई। वो आएगा ना? आंधी की तरह गया है, तूफान की तरह आएगा, और जिस दिन वो वापस आएगा हम तुम्हें बेनजीर नहीं भाभी जान करके बुलाएगा, समझा भाभी जान? अस्सलाम वालेकुम बादशाह। वालेकुम अस्सलाम लाले दी जान। ओए खोचे, तुमको हमारा नाम कैसे मालूम? अम्मी कहती है ग्राहक मेहमान होता है, और मेहमानों को बादशाह समझकर उनकी खातिर करना चाहिए। ओ बच्चे, ये तो बहुत अच्छा ख्याल, तुम्हारी अम्मी तुमको नेक तरबियत दिया। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह ये मेरी अम्मी है। आदाब। तुम हमको भाई बोला, हमको अच्छा लगा। खुदा कसम हमको बहुत अच्छा लगा, हमारा कोई बहन नहीं है इस वास्ते। मेरा भी कोई भाई नहीं है खान भाई, खुदा ये रिश्ता मुबारक करे। आइए अन्न तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह भाई। हबीबुल्लाह हमको हमको माफ करना भाई, पहचानने में गलती हो गया। माफ करना हमको, पहचानने में गलती हो गया। क्यों आए हो यहाँ? अपने बेटे से मिलना। इस हालत में मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। मेरा बेटा एक ऐसा ख्वाब आंखों में बसाकर सो रहा है जिसमें तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो, उसका ख्वाब मैं तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। जान दे दूंगी, लेकिन अपने बेटे पर तुम्हारा मनोसाया तक नहीं पड़ने दूंगी। वो तुम्हारी तरह जानवरों की नहीं इंसानों की जिंदगी जिएगा। जानवर कहती है मुझे जल रखे थे। ओए लानत है तुझ पर शैतान का बच्ची, औरत पे हाथ उठाता है। कौन है ये तेरा यार? हबीस का औलाद आई को बहन का यार बोलता है, आई यार बोलता है। यार बोलता है, तूने मुझ पे हाथ उठाया एक अफसर पे, दो मिनट में कर दूंगा तुझे मैं। और हो चाहिए, खुदा के बंदे को शैतान के अंदर करेगा। चल जा जा जा, चला जाने तो हड्डी गोश्त से अलग कर देगा। देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा तू? जाओ बहन जाओ,
वो अब इधर नहीं आएगा। अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ भाई, जाओ। हबीबुल्लाह, दुनिया में अभी तक वो फंदा तैयार नहीं हुआ है जो पाशा भाई के होते हुए इस हबीबुल्लाह की गर्दन तक पहुंच सके। इस पिंजरे के साथ वो मुझे उड़ा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। पाशा नाम है उसका, पाशा। अरे ओ पाशा, तौबा, जैसा खौफनाक है भयानक मालिक, वैसा ही उसका इलाका। नाम भी सही रखा है, कब्रिस्तान। अरे ओ पाशा, कबूतर है जिन्होंने मुझे ललकारा और मेरे सामने सर उठाया, मेरे सामने सर उठाया। गद्दारी की मेरे साथ, गद्दारी की मेरे साथ। लेकिन मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की आपके साथ पाशा भाई। मेरा भाई हबीबुल्लाह तेरी जेल में है और तूने उसको भागने का मौका दिया, नहीं ना, ये गद्दारी है। बाकी बाकी सब खैरियत है। तो कैसी खैरियत है पाशा भाई, आपके लोग मुझ पे मिट्टी डाले जा रहे हैं। मैंने तो उसको भगाने की लाख कोशिश की थी लेकिन जेलर रणबीर सिंह ने सख्त पहरा लगा रखा है। मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। पाशा भाई, आपके चार आदमी मैं पुलिस के पहरेदारों के साथ मिला दूंगा। हाँ। वर्दी मैं चुरा के ले आऊंगा। हाँ। और आप दूर से जेलर को गोली से उड़ा देना। उड़ा दूंगा साले को। उसके बाद आपका भाई छूट जाएगा। नसीब से लड़ाई मत करो खान भाई, भूल जाओ हबीबुल्लाह को और अपने वतन वापस चले जाओ। ओ सलमा बहन, कमान से निकला हुआ तीर, आसमान से टूटा हुआ तारा और मर्द की जबान से निकला हुआ कौल कभी वापस नहीं होता।